पांच पांच ओवर के वर्ल्ड कप हांगकांग सिक्सेस के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। किन किन खिलाड़ियों ने इस टीम में जगह बनाई है, कैसा फॉर्मेट रहने वाला है, नियम क्या कुछ रहने वाला है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय टीम की बात कर लेते हैं। भारत की इस टीम में रॉबिन उथप्पा कप्तानी करते आपको नजर आएंगे, केदार जाधव हैं, मनोज तिवारी, शहबाज नदीम, श्रीवत्स गोस्वामी, स्टुअर्ट विन्नी और भरत चिपली, ये है भारतीय स्क्वाड। और अगर बात करें, आपको शायद रही होगी कि भाई इंडियन मेन टीम क्यों नहीं है, तो हर टीमों में लगभग ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, अक्सर वो खिलाड़ी यहाँ पर खेल रहे हैं। बाकी अगर बात करें शेड्यूल की, तो यहाँ पर 1 से 3 नवंबर के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेने वाली है, जिसमें कुल 29 मैच खेले जाएंगे। 3-3 टीमों के 4 ग्रुप इसमें बनाए गए हैं। वहीं अगर बात करें ग्रुपों की, तो पूल ए में दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और फिर हांगकांग की टीम है। इसके अलावा पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और नेपाल की टीम है। पूल सी में भारत, पाकिस्तान, यूएई है। और वहीं पूल डी में श्रीलंका, बांग्लादेश और ओमान की टीम है। यानी कि पूल सी में भारत, पाकिस्तान का रोमांच जो है यहाँ पर वो देखने को आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें जो नियम की बात करें, क्योंकि इस फॉर्मेट में नियम बड़ा ही मज़ेदार है और ये जो नियम है यही हांगकांग सिक्सेस की सबसे खूबसूरती भी है। अगर आप नियम की बात करें, तो हर टीम में 6 खिलाड़ी होने वाले हैं और मुकाबला जो है वो 5 ओवर का होने वाला है। इसके अलावा एक जो गेंदबाज है वो सिर्फ एक ही ओवर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, 5 ओवर का मैच, हर टीम में 6 खिलाड़ी और एक बॉलर जो है वो एक ओवर करेगा, यानी कि विकेट कीपर के अलावा सभी को बॉलिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप देखें फाइनल जो मुकाबला होगा, जैसे बाकी मुकाबले होते हैं कि हर ओवर 6 गेंद का होता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबले में जो फाइनल मुकाबला होगा उसका ओवर 8 गेंदों का होगा। यानी कि अगर वहां पर आप देखिए 40 गेंदों का फाइनल होगा, 8×45 के हिसाब से अगर आप देख लीजिए। इसके अलावा वाइड और नो बॉल के लिए भी अलग नियम है। वाइड और नो बॉल पर जैसे कि 1 रन मिलते हैं, यहाँ पर 2 रन मिलेंगे, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है और ये हांगकांग सिक्सेस का। इसके अलावा जो भारत का शेड्यूल है वो बता दें कि भारत अपने अभियान की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर को पाकिस्तान के साथ करेगा। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 1 तारीख को रहेगा, 2 नवंबर को भारत और यूएई के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। तो ये 5 ओवर का जो वर्ल्ड कप है मज़ेदार रहने वाला है, क्योंकि सभी टीमें यहाँ पर लगभग तैयार हैं और भारत देखना पड़ेगा कि कैसा प्रदर्शन होता है। बहुत पहले ये हुआ था, वापसी कर रहा है, तो मज़ेदार है। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें ताकि इस पर और बेहतर एंगेजमेंट आ सके। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।